प्रदेश में 32 दिन तक चले अशोक गहलोत और पायलट के बीच सियासी ड्रामा पर भले ही एक बार ब्रेक लग गए हों, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमले की तैयारी शुरू कर ली है। दरअसल 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है और इस विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है। अब सदन में बीजेपी कांग्रेस से कई सवालों के जवाब सदन के बीच पूछ सकती है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अब सदन में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। रामलाल शर्मा ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि सरकार सदन में सवालों के जवाब अपने साथ लेकर आए। वहीं रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पपला गुज्जर अभी तक फरार चल रहा है और वही महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी प्रदेश में सर्वाधिक बढ़े हैं। सरकार ने बीजेपी सरकार की शुरू की गई जल कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। वहीं संपूर्ण कर्ज माफी करने की बात कहकर सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ भी नहीं किया।